आज बात होगी इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट से, और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश अग्रवाल, जिनसे हम मोनोचारो और फ्लीटेक्स के अधिग्रहण पर डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट से कंपनी के शेयर पर फंडामेंटल राय भी लेंगे। लेकिन हर बार की तरह आपको बता दें कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, तो इंडिया मार्ट के बारे में आपको बता दें, फिर चर्चा का सिलसिला शुरू करेंगे। इंडिया मार्ट की शुरुआत हुई थी 1999 में। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेस कंपनी है ये। घरेलू ऑनलाइन B2B सेगमेंट में 60% इसका मार्केट शेयर है। हर महीने करीब 4% CR बिजनेस इंक्वायरी इनके पास आती है। प्लेटफॉर्म पर 14 करोड़ खरीदार और 70 लाख विक्रेता जुड़े हुए हैं। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपने जो एक्विजिशंस किए हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। आपने मोनोचारो में करीब 26% हिस्सेदारी ली है। हम जानना चाहते हैं किस तरह की सिनर्जीज आप इस कंपनी के साथ देखते हैं, अपनी कंपनी की किस तरह के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट की उम्मीद की जा सकती है। पहली बात तो अगर ये देखें कि जो मार्केट साइज है MRO का और जो मार्केट साइज है रेडी टू शिप गुड्स का, वो अभी छोटा है लेकिन काफी आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी तक इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट और अपने सप्लायर्स खोजते हैं, क्योंकि उनको कस्टमाइज गुड्स चाहिए होते हैं और उनको लार्ज क्वांटिटी में गुड्स चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे मेंटेनेंस और रिपेयर की, जैसे छोटी छोटी आइटम्स के लिए अभी कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ढंग से अवेलेबल नहीं था। मोनोचारो की काफी एक्सपर्टीज रही है इसके अंदर। पिछले 20 सालों में उन्होंने जापान में एक अच्छा मार्केट क्रिएट किया है और आउटसाइड ऑफ जापान, यूरोप और अमेरिका में भी उनकी पेरेंटल मार्केट प्लेसेस अच्छी रही है। हमें लगता है कि इंडिया मार्ट की लोकल एक्सपर्टीज, इंडिया मार्ट का लोकल रीच जो बायर और सप्लायर का हमने बिल्ड किया है, और मोनोचारो का फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री बाइंग का पिछले 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, ये काफी बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकता है केवल रेडी टू शिप गुड्स में, ऑनलाइन ऑर्डरिंग के स्पेस में, जस्ट लाइक B2C मार्केट प्लेसेस। और इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में ये ऑलमोस्ट डबल हुआ है। 5.5 करोड़ रुपए की क्वार्टरली GMV से करीब 12 करोड़ रुपए की क्वार्टरली GMV पे आज 50 करोड़ रुपए साल का एनुअलाइज्ड GMV का रन रेट है उसका, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जल्दी तरीके से ग्रो करेगा और एक अच्छा रेवेन्यू एक्रूवल क्रिएट करेगा। करेक्ट, तो ये एक स्पेस है जहाँ पर ग्रोथ की संभावना भी दिख रही है और अपॉर्चुनिटीज को आप यहाँ पर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। एक और कंपनी है फ्लीटेक्स, जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, करीब 16.5% स्टेक आपने इनका लिया है। जिस तरह का ई कॉमर्स बिजनेस हम बढ़ते हुए देख रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो फोकस है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह पर, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का ग्रोथ आप लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ सप्लाई चेन SaaS जो कंपनीज हैं उनका जो इकोसिस्टम है, किस तरह की ग्रोथ वहाँ पर आप देखते हैं। तो SaaS इकोसिस्टम में अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स के एरिया में खास करके, तो इंडिया में अभी डिजिटल ट्रैकिंग का एडॉप्शन बहुत ही लो है, जबकि आप चाइना और अमेरिका में देखें तो 30-30% का IoT का डिजिटल ट्रैकिंग का एडॉप्शन है, जिसमें कि फ्लीटेक्स एक लीडरशिप में कंपनी है। केवल 4 साल पुरानी कंपनी है और 4 सालों में वो करीब 27-28 करोड़ रुपए का एनुअलाइज रेवेन्यू रन रेट कर रहे हैं, और उनका बहुत थोड़ा सा रेवेन्यू आता है हार्डवेयर से, ज्यादातर रेवेन्यू उनका आता है सॉफ्टवेयर जो वो देते हैं, जो कि वो थेफ्ट प्रिवेंशन करते हैं, रूट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और फ्यूल मॉनिटरिंग करते हैं, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, वो IoT डिवाइसेस जो इंस्टॉल करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि ये दो तरह के कस्टमर इस्तेमाल करते हैं, एक तो फ्लीट ओनर्स हैं वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो बड़े कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स भी फ्लीट ओनर्स को बोलते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन हमको लगा के दीजिए, क्योंकि हमको अपनी मटेरियल की ट्रैकिंग, हमको अपने मटेरियल की टाइमलीनेस डिलीवरी और अपने मटेरियल में थेफ्ट और अपने ड्राइवर्स की हाइजीन मेंटेन करनी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक काफी बड़ा मार्केट क्रिएट होने वाला है, और इंडिया मार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रांसपोर्टर्स का अच्छा डेटाबेस उन लोगों के पास क्रिएट होता है। हमारी एक दूसरी इन्वेस्टिंग कंपनी है सुपर प्रोक्योर के नाम से, वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन देते हैं लार्ज एंटरप्राइजेस को, वहां पे भी ट्रांसपोर्टर्स का अच्छा डेटाबेस होता है।
और हमें लगता है कि ये सारी सिनर्जीज मिला करके हम कभी इंडिया मार्ट के ऊपर भी ट्रांसपोर्टर्स का मार्केट प्लेस क्रिएट कर पाएंगे। करेक्ट अग्रवाल साहब, काफ़ी अच्छी कंपनीज में और आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है और आप का जो ग्रोथ सिनारियो है वो ऐसा ही दिखाई देता है कि शायद आप इन्वेस्टमेंट के जरिए कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। क्या किसी और कंपनी पर भी नज़र है, कोई और एरिया जहाँ पर आपको प्राइसिंग अच्छी दिख रही हो, जो आपके एक्विजिशन के रडार में हो? अगर हाँ तो अब जो आप नई फंडिंग करेंगे तो उसका मोड, माफ़ कीजिए, नया एक्विजिशन करेंगे उसका मोड ऑफ फंडिंग क्या हो सकता है? इंटरनल अक्रूवल से करेंगे या फिर आपको किसी तरीके से एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी? देखिए, मोड ऑफ फंडिंग तो हमने क्यूआईपी से करीब 1070 करोड़ रुपए पिछले साल फरवरी में रेज किए थे और दैट वाज द ओनली रेज आफ्टर आईपीओ। उसके बाद से हमारे यहाँ पे करीब 300-350 करोड़ रुपए का हर साल का इंटरनल अक्रूअल होता है, तो टोटल में मिलाकर के हमारे पास करीब 2500 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था। रिसेंटली जो हमने सारे इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन किए हैं अकाउंटिंग स्पेस में और इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं हम ई कॉमर्स स्पेस में और लॉजिस्टिक्स स्पेस में, वो करीब 1000 करोड़ रुपए का आउटले अभी खर्च हो जाएगा। हमारे पास करीब 1500 करोड़ रुपए भी और हैं और उसके ऊपर से 300-400 करोड़ रुपए का हमारा सालाना पॉजिटिव कैश फ्लो हमको अक्रू होता है। तो हमें लगता है कि अगले कुछ एक सालों के लिए हमारे पास इंटरनल अक्रूवल काफी होना चाहिए अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स को सस्टेन करने के लिए, उनके फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और कुछ एक नई इन्वेस्टमेंट्स अगर हमें समझ में आएंगी तो वो करने के लिए। इस समय अग्रवाल साहब, माहौल अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आपको कैसा दिखाई देता है? डिमांड का माहौल है, स्पेंडिंग का माहौल है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी के जो आंकड़े हैं वो प्री कोविड लेवल तक पहुंच गए हैं, यहां से डिमांड बेटर होती दिखाई दे रही है? जी हाँ, तो अगर आप डिमांड साइड पे देखें तो डिजिटल एडॉप्शन की वजह से प्री कोविड से करीब 50% ट्रैफिक बढ़ चुका है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, और इंडिया मार्ट पे भी अगर आप देखें तो प्री कोविड में हमारा करीब 60 मिलियन के आसपास का ट्रैफिक रहता था हर महीने का, जो कि अब 90 मिलियन के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो करीब 40-50% का ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है और उस डिमांड में लेकिन अभी प्राइस सेंसिटिविटी काफी रही है पिछले 2 सालों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजनेस सफर हुआ है, बहुत सारे लोगों को क्रेडिट की प्रॉब्लम्स हुई हैं और 2-3 बार लॉकडाउन हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड की वेव्स की वजह से। अब हमें लगता है कि 2-3 वेव्स भी हो चुकी हैं, वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो उसकी वजह से शायद आगे आने वाले टाइम में मार्केट्स तेजी से ओपन होंगे। हालांकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है बढ़े गिवन कि ऑयल का प्राइस काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है या इंटरेस्ट रेट वापस से बढ़ाए जाते हैं तो उसका क्या नतीजा आएगा वो तो आगे देखने को पता लगेगा, लेकिन अगले 1-3 क्वार्टर हमें लगता है कि इकोनॉमी पिछले 2 सालों से सबसे बेटर प्लेस रहेगी और उसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। बिल्कुल, B2B बिजनेस में अग्रवाल साहब आपकी कंपनी सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट में, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कई और छोटी कंपनियां भी आ गई हैं, यहां पर नीश सेगमेंट में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी तरह के नए प्रोडक्ट लॉन्च का प्लान आपका है, इंडिया मार्ट का, आपकी कंपनी का कोई प्लान है आने वाले दिनों में? तो एक तो देखिए, हमने ये अपना एक्सपैंड किया है मार्केट अकाउंटिंग साइड में बिजी का एक्विजिशन करके, और वो हमारा एक नया रेवेन्यू लाइन चालू होने वाला है। दूसरा, हमें लगता है कि हमारा जो कस्टमर एडिशन है, अब वो पिछले 2 साल में जो भी कुछ कस्टमर हमारा नहीं ऐड हो पाया था बिकॉज चर्न हो गया था या बिकॉज मार्केट में जो सेंटिमेंट खराब थे, अब हमारा कस्टमर एडिशन तेजी से बढ़ रहा है और इस साल में हमें लगता है कि हम एक अच्छे हेल्दी कस्टमर एडिशन ग्रोथ पे जाएंगे, तो हमारा कोर बिजनेस का भी रेवेन्यू अच्छा ग्रो करेगा। ये पिछले 9 महीने का अगर आप कलेक्शन फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो कलेक्शंस फ्रॉम ऑपरेशंस भी काफी तेजी से ग्रो किया है, और अब अगर कस्टमर फ्रॉम नेट कस्टमर एडिशन भी ग्रो करता है तो हमारा ओवरऑल रेवेन्यू अच्छा ग्रो करने की उम्मीद है। और उसके अलावा हमने जो IB मोनिटारो में किया है तो उससे हमारा एक प्रॉपर ई कॉमर्स का स्कोप खुल जाता है, और इंटरनली तो हम अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जब भी कोई बड़ा सक्सेस हमको मिलेगी तो हम जरूर बताएंगे।
बिल्कुल अग्रवाल साहब, आपने अभी एक बात कही कि प्री कोविड लेवल पर यहाँ पर डिमांड का सिनेरियो बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो सोशल कॉमर्स है, जो लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, काफ़ी स्ट्रांग डिमांड वहाँ बढ़ रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से हमने देखा है कि वो जो SMEs सेगमेंट है उसको इंसेंटिव काफ़ी हद तक दे रही है। आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं दोनों ही तरह के यहाँ पर कस्टमर्स को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं और साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड बायर्स हैं, किस तरह की ग्रोथ वहां पर आप आते हुए देखते हैं? तो पेइंग सप्लायर्स में अगर आप देखें तो प्री कोविड हमारा हिस्टोरिकली 15 से 20% का CAGR ग्रोथ रहता था पेइंग कस्टमर्स में, और मुझे लगता है कि अब 2 साल के लल के बाद ये हमारा दोबारा से मेंटेन होना चाहिए अगले 1-2 सालों में। और जहां तक इन बिजनेस इंक्वायरी या बायर्स के ट्रैफिक की बात है तो हर क्वार्टर हम करीब 1 से 2 मिलियन नए रजिस्टर्ड बायर्स क्रिएट करते हैं। हालांकि उसके अंदर एक्टिव बायर्स जो होते हैं पिछले 12 महीने के तो वो 33% के आसपास होते हैं। तो उस तरह से अगर आप देखें तो 40 मिलियन के आसपास एक्टिव बायर्स होते हैं, टोटल अब करीब 140 मिलियन टोटल रजिस्टर्ड बायर्स हैं, और ये धीरे धीरे नंबर ग्रो ही करता जा रहा है। हमारा जो रिपीट रेशियो है वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम एक ज्यादा पॉपुलेशन को टच करते जा रहे हैं वैसे रिपीट की प्रोपेंसिटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये जो B2B ऑनलाइन मार्केट प्लेस का स्पेस है जहाँ पर आप सबसे बड़े प्लेयर हैं अग्रवाल साहब, या ये धीरे धीरे यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि कुछ और कंपनीज भी आ गई हैं, नीश सेगमेंट में भी आ गई हैं। इस कंपटीशन से डील करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है आपकी कंपनी ने? देखिए, इंडिया मार्ट एक यूनिक तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बहुत सारी इंडस्ट्री और बहुत सारे B2B और बहुत सारे SMEs की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद इंडिया मार्ट या जस्ट डायल या गूगल या अमेजोन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो वहां पे नई कंपनियों की जरूरत है जो आकर के एक नए तरीके से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, चाहे वो क्रेडिट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो ग्रुप बाइंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मार्केट का एक्सपेंशन ही होता है और डिजिटल एडॉप्शन बढ़ता है। क्योंकि अभी तक क्या देखें कि आप B2B में केवल ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग ही चल रहे थे और ट्रेडिशनल वेज ऑफ ट्रेडिंग ही चल रहे थे। अब चूंकि ज्यादा सा कैपिटल आ रहा है तो नई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, और उस नई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और सोल्यूशन से मार्केट और बड़ा होने वाला है। बिल्कुल अग्रवाल साहब, एक आखिरी सवाल वो ये कि आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो क्या है यहाँ से आगे? कौन कौन सी ज्योग्राफीज पर अब इंडिया मार्ट फोकस करने वाला है? तो कंपनीज का एक्सपेंशन प्लान में अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से हमने मैन पावर में कुछ एडिशन नहीं किया था। अब हम एग्रेसिवली मैन पावर में एडिशन कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो और कस्टमर सर्विस हो, और चाहे वो न्यू न्यू क्लाइंट और न्यू सेल्स एक्विजिशन हो। तो उधर की साइड पे हमारा एक्सपेंशन प्लान जारी रहेगा। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, अब हम अकाउंटिंग साइड पे काफी ध्यान दे रहे हैं और अकाउंटिंग साइड पे हम धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। जियोग्राफी की जहां तक बात करें तो हमारा इंडिया जियोग्राफी का ही फोकस मेनली रहेगा, और इंडिया जियोग्राफी के अंदर भी Tier 1 और Tier 2 पे मोस्ट ऑफ द फोकस रहेगा। दिनेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के लिए समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। इंडिया मार्ट के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताते हुए कंपनी की योजनाएं आने वाले दिनों में और किस तरह से कंपटीशन जो बढ़ रहा है मार्केट में उसे कैसे एड्रेस कर रहे हैं। नज़रिया काफ़ी बुलिश है, काफ़ी बड़ा शेयर होल्ड मार्केट शेयर है इनका। स्टॉक पर क्या करना चाहिए आपको? आज हम देख रहे हैं ये स्टॉक करीब भले ही 1% नीचे है, लेकिन लॉन्ग रन में इसने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं। हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट को सुना, ठीक ठाक कमेंट्री दे रहे हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज उनको दिखाई दे रही हैं, कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं, यहाँ पर जापानीज कंपनी में भी निवेश किया है। ब्रॉडली इंडिया मार्ट के शेयर पर क्या व्यू है आपका? बिल्कुल, आपने कुछ जो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछे काफी अच्छे रहे, जैसे कि B2B बिजनेस उनका कैसे ग्रो करेगा, कंपटीशन उनका जो है उससे क्या तैयारी है, और काफी हद तक मैनेजमेंट जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे बिजनेस इस कंपनी का काफी अच्छा रहेगा। हालांकि जो अभी पीछे ओवरऑल मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लगभग 14,690 करोड़ का मार्केट कैप है, और जो प्रॉफिट रेशियो बहुत कम है, और इसी वजह से आपने 18 अक्टूबर से अब तक इस स्टॉक में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी जो है वो ऐसे लेवल्स हैं जहां पर कि इन्वेस्टर यहां पर अब भरोसा इस स्टॉक में कर सकते हैं। रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6,500 तक का टारगेट आने वाले 2 से 2.5 साल में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड में भी आपको 18 से 20% का रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी काफी अग्रेसिव है। B2B बिजनेस में अगर थोड़ा जो अभी कॉम्पिटिशन की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में स्ट्रांग हैंड इनका है, और अगर दिनेश अग्रवाल जी थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रैटेजी और प्लान करेंगे तो मुझे लगता है काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे और इन्वेस्टर को भी यहाँ पर अच्छा फायदा हो पाएगा। तो फिलहाल अपसाइड टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 5,500 के लेवल आपको जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भरोसा जताना चाहिए पोर्टफोलियो में, एटलीस्ट इस स्टॉक को एक बार जरूर रखना चाहिए।